रंजीव सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर सांची यात्रा का शुभारंभ किया। भोपाल 1 दिसंबर 2024 मातृभूमि सेवा संगठन द्वारा आयोजित 17वीं वार्षिक सांची यात्रा का शुभारंभ आज भोपाल के माता मंदिर चौराहे से हुआ। इस पवित्र यात्रा को मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव श्री संजीव सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में भोपाल शहर के हजारों बुद्ध अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अनुयायियों के लिए मातृभूमि सेवा संगठन एवं श्री संजीव सक्सेना जी द्वारा 80 बसों की निःशुल्क व्यवस्था की गई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, करुणा और मानव सेवा का संदेश फैलाना है। संजीव सक्सेना का संदेश। यात्रा के शुभारंभ पर श्री संजीव सक्सेना ने कहा, सांची यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह समाज में शांति और सह अस्तित्व के विचार को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। यह हमें मानवता और सेवा के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। यात्रा का आयोजन और समापन। यात्रा के दौरान बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश को दोहराया गया। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सांची पहुंची, जहां बुद्ध वंदना और प्रार्थना सभा के साथ इसका समापन हुआ। प्रतिभागियों ने इस आयोजन की भव्यता और उद्देश्य की सराहना की। मातृभूमि की सेवा संगठन की ओर से यह आयोजन पिछले 17वें वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जो समाज के प्रति इसकी सेवा और समर्पण को दर्शाता है। ये पिछले 17 वर्षों से निरंतर जो है वो सांची भगवान बुद्ध के जो अस्थि दर्शन के लिए यहाँ से बौद्ध अनुयायी जाते हैं, वहाँ सांची में मेला भरता है और हर्षोल्लास से जो है बुद्धमय होकर, सांची तो पूरे विश्व की धरोहर है पुरातत्व के हिसाब से, तो हमारे बहनें जाती हैं, हमारे परिवार जाते हैं, सब युवा लोग जाते हैं और वहाँ मेला भरता है और भगवान बुद्ध के अस्थि दर्शन के लिए, तो उसी लिए सब लोग जा रहे हैं। और ये 17 वर्षों से हम लोग निरंतर कर रहे हैं। 17 वर्ष पहले एक हादसा हुआ था जिसमें यहाँ से, चूंकि हर साल जो बौद्ध अनुयायी हैं वो हर साल जाया करते थे, तो एक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें कई युवा लड़कों की जान चली गई थी। तब से हम लोगों ने संकल्प लिया था, प्रण लिया था कि कोशिश करेंगे कि यहाँ से किसी को गाड़ी से कोई रेस लगाते हुए या ट्रेन ना जाना पड़े, इकट्ठा जाना पड़े। तब से ऊपर वाले की कृपा से, भगवान बुद्ध की कृपा से, ईश्वरी की कृपा से और हम सबों के सहयोग, हम सब आपसी जो है उससे निरंतर जारी है। बसें जा रही हैं। भगवान बुद्ध का संदेश जो पूरे विश्व को है कि जो है शांति सबसे जरूरी है और संतोष सबसे जरूरी है। संतोष नहीं होगा तो ये आक्रमण और ये सब जो युद्ध की कल्पना है वो चलती रहेगी। तो संतोष बराबर रहना पड़ेगा लाइफ को लेकर, और शांति रखना पड़ेगी, और एकता ही धर्म संदेश है और समानता सबसे बड़ा संदेश है। जब तक हम समान रूप से एक साथ खड़े नहीं होंगे, जब तक इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के लिए किंचित मात्र संशय रहेगा,